हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे नहीं होते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स माँ बाप बूढ़े हो गए या बूढ़े नहीं भी हुए, उनका कुछ बिजनेस डाउन हो गया, उनके बिजनेस ना चलने की वजह से उनका कोई माशी परेशानी आ गई, उनके हालात सही नहीं हुए, तो उसकी वजह से वो हमारी अच्छी परवरिश नहीं कर पाए, हमें अच्छा खाना नहीं खिला पाए, हमें अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाए, हमें जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, जो उन पर फ़र्ज़ थी, मेरे माँ बाप पर फ़र्ज़ थी, वो हमें नहीं दे पाए। तो ऐसे वक्त पे हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप को बहुत हकीर समझते हैं और उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैं उन ऐसे बेटों के लिए एक बहुत अच्छी लाइन बोलना चाहता हूँ कि दरख्त अगर फलदार ना भी हो तब भी वो हमें छाया देते हैं। तो इसका ताल्लुक़ क्या है कि अगर हमारे माँ बाप हमने हमारी परवरिश अच्छी नहीं कर पाए, जो उनका हक था, मैं नहीं कहता हक नहीं था, उनका बिल्कुल हक है, अगर लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाए, तो ऐसे वक्त पे हम उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हम एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप एक ऐसा कीमती असासा है, अगर हमें उनकी कीमत के बारे में पता चल जाए तो सच में हम उनके जुल्म को भी सहें। मैं जानता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स जुल्म करते हैं अपने बेटों पर, ज़ालिम होते हैं, लेकिन मेरे भाई हमें अपने माँ बाप के सामने सारे उसूलों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप वो कीमती असासा है, अगर हम उनके जुल्म को सहेंगे, उनकी फरमाबरदारी करते रहेंगे और उनकी गलत चीज़ों को भी सर झुका के सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके इस अमल से इतना खुश होगा और आपको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देगा। तो सोचे कि आपके माँ बाप की वजह से आपको जन्नत मिल रही है, तो देखें ना माँ बाप कितने हमारे माँ बाप कीमती असासा है। तो किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में हमारे माँ बाप चाहे जितने जालिम हो, तब भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती असासा है, क्योंकि वही हमारे जन्नतुल फिरदौस का दरवाज़ा। अपने माँ बाप की जब बात आए तो हम सारे उसूलों को एक तरफ रख दें।